हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंक केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन 2005 आईआईटी में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि टू मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन, तो टू मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये है एक एल्केन का ब्रोमिनेशन, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और कभी भी अगर ऐसा रिएक्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जहाँ पे कोई एल्केन देकर के आपसे पूछे कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेनली क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमेशा आपको क्या याद रखना है कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से को फॉलो करने वाला है, और आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल कार्बन का फ्री रेडिकल आपका इंटरमीडिएट बनेगा। और यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है वो क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मैंने पिछले वीडियोस में भी इस चीज को डिस्कस किया है, पूरा मैकेनिज्म बताया है, तो जाकर के पिछले वीडियोस को देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन आपको हमेशा याद रखना होगा, इन एल्केन। कभी भी अगर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व होने का 98% प्रोबेबिलिटीज होता है कि आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है भाई, 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको इस चीज को फॉलो करना है, आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, टू मिथाइल ब्यूटेन आपके पास है, मतलब कि कैसा है भाई, कुछ इस तरीके का है आपके पास टू मिथाइल ब्यूटेन आपका, है ना। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये जो पोजीशन है ये है 3 डिग्री कार्बन का पोजीशन, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो अगर ब्रोमीन आएगा यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या होगा, यहाँ पे आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से एक H और एक Br आपका निकल जाएगा, है ना, और यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन का रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा ब्रोमीन आकर के यहाँ पे अटैक करेगा। तो मैं मैकेनिज्म नहीं कर बता के सीधा आपको मेन प्रोडक्ट की तरफ लेकर चला जाता हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस कर रखा है, और मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, आप जाकर के वहां से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए, मेरा प्रोडक्ट जो बना वो ये प्रोडक्ट बना है ना, प्रोडक्ट बना मेरा 2-ब्रोमो-2-मिथाइल-ब्यूटेन। कहाँ पे है ये 2-ब्रोमो-2-मिथाइल-ब्यूटेन, सी पे है, देखो सी मेरा करेक्ट आंसर है। तो इसका की कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान में रखना है, की कॉन्सेप्ट क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन। ओके, और आपको क्या, और एक और चीज आपको क्या याद रखना है, एक और चीज आप याद रखो कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बन का फ्री रेडिकल। ठीक है, और कार्बन के फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर आप ध्यान में रखिएगा, वो क्या होता है, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री मोर स्टेबल देन CH3 रेडिकल। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो बातें आप ध्यान में रखिए, ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, बस हो गया, एकदम क्वेश्चन बनना ही है, हैलोजिनेशन का क्वेश्चन बनना है एल्केन का। ठीक है, चलिए, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम।